तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप SBI रिवार्ड पॉइंट से अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हो, और इसके लिए आपका 1 रुपया पैसा नहीं कटेगा और आप बिल्कुल फ्री में रिचार्ज कर सकते हो। तो ये ट्रिक मैं आपको SBI यूनो ऐप के थ्रू बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉग इन कर लेना है SBI यूनो ऐप को, और मैं भी इसको यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको SBI रिवार्ड्स का। तो आपको SBI रिवार्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। SBI रिवार्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और आपको यहाँ पे दिखा देगा आपका कितना रिवार्ड पॉइंट्स यहाँ पे जमा हुआ है। तो देखिए, मेरा जो रिवार्ड्स पॉइंट है यहाँ पे 1342 रिवार्ड्स पॉइंट है, और मैं आपको यहाँ पे रिडीम करके दिखाऊंगा, रिचार्ज करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ये भी साथ में दिखाएगा कि आपका कितने आपने अर्न पॉइंट जो आज तक टोटल अर्न किए हैं, और कितना पॉइंट आपने यूज किया है। और यहाँ पे पॉइंट अगर आप यूज नहीं करेंगे तो वो पॉइंट एक्सपायर भी हो जाता है, और वो एक्सपायर होने का डेट भी यहाँ पे दिखाता है कि कितने तारीख को आपका पॉइंट और कितना पॉइंट एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपका SBI यूनो यूज करते हैं, SBI कार्ड यूज करते हैं, तो रिवार्ड्स पॉइंट आपको मिलता ही होगा। तो आपको रिवार्ड्स पॉइंट को यूज कर लेना चाहिए, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ से रिदम नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मोबाइल रिचार्ज करके दिखाता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे सी मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सी मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा। रिचार्ज कर सकते हैं आप, इस पॉइंट से शॉपिंग कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड को बाय कर सकते हैं, DTH रिचार्ज, बिल पे, फ्लाइट का टिकट, मूवी, SBI ग्रीन, यहाँ पे बहुत सारा, बस, होटल, ट्रेन, ये बहुत सारा ऑप्शन है। पर मुझे रिचार्ज करना है तो मैं रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, कौन सी सिम है आपकी, एयरटेल, वोडा, आइडिया, और यहाँ पे सर्किल, आप कहाँ से सिम है आपका, किस स्टेट का, और कितना का रिचार्ज करना चाहते हैं। तो चलिए मैं सब कुछ फिलअप कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, और एयरटेल का सिम है वो डाल दिया, और मैं बिहार एंड झारखंड से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ का ही सिम है ये। तो मैं यहाँ पे बिहार एंड झारखंड सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर आपको अमाउंट पता है तो आप यहाँ पे अमाउंट डायरेक्टली डाल सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे व्यू प्लान वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्लान देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से प्लान देख लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस एरो पे आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इसे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लान वाउचर दिखा देगा आप कितने का प्लान वाउचर लेना चाहते हैं। और भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रोमिंग का दिखा देगा। और भी क्लिक करते जाइए, यहाँ पे स्पेशल टैरिफ प्लान है, यहाँ पे आपको दिखा देगा कितने का रिचार्ज करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि जो है 155 का है, 179 का है, 199 का, जो भी आपको रिचार्ज करना है आप यहाँ पे पूरा डिटेल से देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 179 का कर लेता हूँ। मुझे अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है 179 में, 2GB डेटा और 28 दिन के लिए मिल रहा है। तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ 179 को। और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ से क्लिक करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे है कूपन कोड, अगर आपके पास कूपन है कोई तो आप यहाँ पे कोड को अप्लाई कर सकते हैं, कोई वाउचर है तो उसको भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ में ये भी दिखा देगा फ्रेंड्स, आपका जो है ये रिचार्ज करना है 179 का, इसके लिए आपको यहाँ पे 716 पॉइंट देने होंगे। मतलब 4 पॉइंट का 1 रुपया मिलता है, तो 716 पॉइंट देंगे तो 179 रुपया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मुझे रिचार्ज करना है तो 716 पॉइंट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैक पेमेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर देना है। मैक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो OTP आ गया है, मैं यहाँ से 84, 53 और 76 है, तो मैंने कॉपी भी कर लिया और यहाँ पे मैनुअली भी डाल देता हूँ। तो ये कॉपी आ चुका है, और मैं यहाँ पे इसे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में, तो चलिए देखते हैं, ये ऑर्डर जो है सक्सेसफुली हो चुका है और सक्सेसफुली रिचार्ज हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप यहाँ पे सक्सेसफुली रिचार्ज कर सकते हैं SBI रिवार्ड्स पॉइंट से। तो देखिए मेरा रिचार्ज हो गया, और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये आपके रिवार्ड्स पॉइंट से ही रिचार्ज हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको इजीली से समझ में आया होगा।
फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती।